हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल पेस्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यानी इसको हम हीट सिंक कंपाउंड भी बोलते हैं, काफ़ी लोग हीट सिंक कंपाउंड भी बोलते हैं, वैसे थर्मल पेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग यूज़ करेंगे। एक्चुअली ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि ये जो है प्रोसेसर के ऊपर एक वाइट कलर का पदार्थ लगा रहता है या फिर हल्का सा ग्रे कलर का, और उसके ऊपर जाकर के हीट सिंक लगाई जाती है। तो काफ़ी दिनों से लोग कमेंट कर रहे थे कि ये क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करें, क्या इसके जगह पर हम लोग चूना यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके जगह पर हम लोग जो है कोलगेट यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि एक्चुअली क्यों हम इसे यूज़ करें, तो क्या इसके जगह पर यूज़ करना सही होगा। तो अगर आप भी इसे जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं इस टाइप की सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियोस, एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस हमेशा अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इस थर्मल पेस्ट के बारे में। तो एक्चुअली सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि एक्चुअली इसका क्या काम है और ये क्या है। तो अगर हम इसको हिंदी में अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो काम करता है वो काम करता है ऊर्जा शोषण का, यानी कि हीट ऑब्जर्व करता है अपने अंदर बहुत स्पीडली। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए ये पेस्ट है, अगर हम इसको किसी भी सरफेस पर अगर एक लकीर खींच दें इससे, और उस लकीर पर अगर एक तरफ आप हीट देंगे तो दूसरी तरफ बहुत जल्द से जल्द ये जो है ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि बहुत ही फास्टली ये जो है हीट को ट्रांसफर करती है अपने एक छोर से दूसरी छोर पर। तो इसीलिए इसका हम लोग यूज करते हैं वहां पर जहां पर एक किसी भी प्रोडक्ट से हीट को ट्रांसफर किसी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर करना होता है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर प्रोसेसर के ऊपर इसको लोग जानते हैं कि प्रोसेसर के ऊपर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी सेमीकंडक्टर्स यानी कि आईसी, मॉसफेट्स वगैरह हो गए, जो कि किसी ना किसी हीट सिंक पर वो जो है टाइट किया हुआ है, वो हीट होता है, हीट को जो है उस कंपोनेंट को ठंडा रखने के लिए अगर एल्यूमिनियम्स की हीट सिंक वगैरह लगाई जाती है या फिर पीतल वगैरह की हीट सिंक लगाई जाती है, तो वहां पर जो है इस थर्मल पेस्ट का यूज होता है, यानी कि हीट सिंक कंपाउंड का यूज होता है। वो इसीलिए कि जब मान लीजिए अगर इस प्रोसेसर को हम मान लें, तो प्रोसेसर को जैसे ही आप सप्लाई देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हीट होता है, इतना ज्यादा हीट होता है कि आप इस पर उंगली नहीं रख सकते, बहुत ही ज्यादा हीट होता है। इसीलिए जो है इसके ऊपर ये थर्मल पेस्ट लगाया जाता है बहुत थोड़ा सा, और उसके बाद जो है इसके ऊपर बड़ी सी हीट सिंक लगा दी जाती है, ताकि जब भी ये हीट हो तो इसका जो भी हीट इसके अंदर जनरेट हो वो इमीडिएट हीट सिंक के अंदर चली जाए, जो एल्युमिनियम की हीट सिंक है उसके अंदर चली जाए, और ये जो है काफ़ी कूल रह सके, क्योंकि उसके ऊपर फैन वगैरह लगा रहता है। तो एक्चुअली जनरली क्या होता है कि जो ओरिजिनल जब आप प्रोसेसर बाय करते हैं, कोई भी प्रोसेसर जब आप बाय करते हैं, तो उसके साथ जो हीट सिंक आती है उसके साथ में जनरली लगा रहता है पहले से ही। जैसे कि ये इंटेल का एक प्रोसेसर है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो ये इंटेल का ओरिजिनल हीट सिंक है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं जो कि ये थर्मल पेस्ट लगा हुआ है पहले से ही। तो इस टाइप की जब आप लेंगे, कोई भी अच्छी हीट सिंक लेंगे, जैसे कि ये हमने अलग से बाय किया हुआ है एडीनेट का, तो इस पर भी आप देख पाएंगे इसके हीट सिंक के बैक साइड में भी ये लगा हुआ है थर्मल पेस्ट। तो जिनके साथ में, यानी कि अगर आप नया हीट सिंक बाय करते हैं, नया प्रोसेसर बाय करते हैं, तो उसके साथ में ऑलरेडी लगा हुआ रहता है थर्मल पेस्ट, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी किसी हीट सिंक के साथ अगर नहीं आता है, तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस टाइप का छोटे से पाउच के अंदर भी आता है, और अगर आप मार्केट से बाय करते हैं तो इस टाइप की डब्बी आपको मिलती है, या फिर इंजेक्शन के रूप में मिलता है, जो इंजेक्ट जो सिरिंज होता है उस सिरिंज के रूप में भी मिलता है ये वाला पेस्ट। तो एक्चुअली नए में तो मिल जा रहा है, आप इमीडिएट लगा देंगे, लेकिन होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद
अगर साल भर दो साल के बाद जो होता है काफ़ी ये चूंकि हीट होता है तो हीट होते होते सूख जाता है, या फिर किसी भी कारणवश अगर आपने इसको प्रोसेसर से अलग कर लिया और फिर जब आप दोबारा लगाते हैं तो चूंकि वो सूख चुका रहता है वो इमीडिएट इसको पकड़ नहीं पाता प्रॉपर तरीके से, तो उस कंडीशन में आपका प्रोसेसर ज्यादा हीट होगा और जब आप स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर, आप अपना पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर भी अगर आपने सफाई के लिए खोल दिया और अगर आपने थर्मल पेस्ट का यूज नहीं किया, डायरेक्ट लगा दिया, तो क्या होगा कि कुछ टाइम तक तो चलेगा, 2-4, 10-5 मिनट, उसके बाद हैंग होना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद वो रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो प्रोसेसर ओवरहीट होने के बाद जो है तरह तरह का प्रॉब्लम्स आता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स अगर आने लगी है तो आप सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपका प्रोसेसर ओवरहीट तो नहीं हो रहा है। तो वो चेक करने के लिए ज़रूरी है कि आप देख सकते हैं, आप इसको जो है निकाल करके कि अगर ये सूख चुका है तो जैसे कि अभी ये मेरे उंगली पर लग गया क्योंकि ये गीला है, ये ओरिजिनल है बिल्कुल भी, और ये जब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे यानी कि जब तक ये हीट नहीं होगा तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। आप इसको ले सकते हैं, 150-200 रुपये का ओरिजिनल आता है, आप मार्केट में जाएंगे तो इसका लोकल चूना भर करके आपको मिल जाता है, 10-15 रुपये का भी मिल जाता है, चूँकि वो कामयाब नहीं होता। तो आप जब भी खरीदें, कोई ब्रांड का खरीदें, अच्छा खरीदें, और इन सभी का एक बेहतर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा चलता है। अगर आपकी दुकान है तब भी ये कई साल चलता है क्योंकि बहुत ही थोड़ा हमको यूज़ करना होता है, ये आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप भी अगर पीसी यूज़ करते हैं अपने घर पर और हमेशा सफाई खुद करना चाहते हैं तो आप जो है इसको बाय कर लेना चाहिए। 2-4, 10-20 साल भी अगर आप इसको रखेंगे तो सिर्फ रखने से ये ख़राब नहीं होगा जब तक कि आप इस पर यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको यूज करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हम कोलगेट लगा सकते हैं, क्या हम चूना लगा सकते हैं। तो एक्चुअली कोई भी चीज अगर सफेद दिखे तो लोग उसको जो है कोलगेट से कंपैरिजन करने लगते हैं। कोलगेट को लोग कहां कहां लगवा देते हैं, कोई भी चीज साफ करने की चीज हुई तो कोलगेट से कर लो, कोई भी चीज काली हो रही है तो कोलगेट से कर लो, कहीं पर भी अगर सफेद दिख रहा है कोलगेट के जैसा, ओ ये कोलगेट है, कोलगेट इसके जगह पर चल जाएगा। बट ऐसा हरगिज ना करें, कोलगेट के अंदर वो चीज नहीं है जो हमको चाहिए, यानी कि जो थर्मल पेस्ट के अंदर होना चाहिए, कोलगेट के अंदर 1% भी वो गुण नहीं है। इसीलिए यहां पर कोलगेट नहीं लगेगा, ना कि यहां पर चूना लगेगा, यहां पर जब भी लगेगा तो थर्मल पेस्ट ही लगेगा, यानी कि हीट सिंक कंपाउंड ही लगेगा। तो आप जो है अगर घर पे यूज करना चाहते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप एक बार बाय कर लें, उसके बाद सही सलामत रखें, ये हमेशा चलता रहेगा। और 6 महीने साल भर के बाद अगर ज्यादा आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो एक बार प्रोसेसर को निकाल करके और उसको जो है थीनर से या पेट्रोल से साफ करके और आप जो है इसको यूज करें, और यूज करने के लिए कोई भी जैसे माचिस की तिल्ली वगैरह आप जो है ले सकते हैं, और ये पेस्ट जो है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लिया जाता, बहुत ही थोड़ा सा आप इसको ले सकते हैं जैसे इस तरीके से, और अपने प्रोसेसर पर, चूंकि मदरबोर्ड से प्रोसेसर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, इस तरीके से सेंटर में डाल दें। आप इसको जो है पूरा मेल्ट ना करें, आप इसको पोतने की कोशिश ना करें, फैलाने की कोशिश ना करें, आप बस यहाँ पर रख दें, और उसके बाद जब आप इस पर अपना हीट सिंक जब आप रखेंगे, जब वो टाइट होगा तो उसको कहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से इसको फैला लेगा। आप इसको फैलाने की कोशिश ना करें तो जिसके वजह से क्या होगा, उसकी पकड़ अच्छी होगी, अगर थोड़ा भी स्पेस कहीं पर है तो वो उसको भर के रखेगा, तो अच्छी तरीके से जो है ये उसके ऊपर वर्क करेगा और प्रोसेसर की जो हीट है वो बिल्कुल आराम से जो है वो हीट सिंक के अंदर जो है ट्रांसफर करने में सक्षम रहेगा, जिसके वजह से आपका जो प्रोसेसर है वो कभी भी ओवर हीट नहीं होगा और बिल्कुल परमानेंटली आपका प्रोसेसर काम करेगा और अच्छे तरीके से चलेगा। तो ये सारा यूज़ है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप हीट सिंक कंपाउंड यूज़ करें, मार्केट से लोकल सोकल ना बाय करें। अगर कभी भी आपको ये लगता है कि आपका पीसी थोड़े देर चलने के बाद हैंग होता है तो ये मान करके चले कि उसका थर्मल पेस्ट जो है ख़राब हो चुका है, सूख चुका है, जिसके वजह से आपका जो सीपीयू है वो ओवर हीट हो रहा है, या फिर आपका फैन ख़राब हो गया है, या फिर कई बार क्या होता है कि ये हीट सिंक पर इधर से इतना ज़्यादा डस्ट आ जाता है कि हवा क्रॉस नहीं कर पाता, उस कंडीशन में भी ओवरहीट होता है। तो आप ये निकाल करके अच्छे तरीके से अपना फैन साफ कर लें और उसके बाद जो आप थर्मल पेस्ट लगा करके दोबारा से टाइट कर दें, आपका पीसी जो है थोड़ी देर चलने के बाद हैंग होना बंद हो जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों ये था थर्मल पेस्ट का यूज, और
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों जरूरी है इसका, और आप जब कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल स्मार्ट सोच को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट जा सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस उस पर अपलोड हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।